अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों मैं आपके सामने एक न्यूज़ पेश करने वाला हूं। कुछ ही देर में जो स्क्रीन पे देखेगा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सपोर्टर है और दोनों बहुत बहस कर रहा है। यानी एक बोल रहा है मेरा नेता सही है और दूसरा बोल रहा है मेरा नेता सही है। तो आप ही लोग बतलाइए से कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो आइए मैं आपके सामने वीडियो पेश करता हूँ, चलिए आगे के वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब 9 साल में बीजेपी के 9 काम गिना दो और मैं 52 साल के कांग्रेस के बाप को 52 काम गिना दूंगा। बोलो बीजेपी 9 काम गिनवा दीजिए, फिर देखिए चैलेंज दे रहे अंकल। मैं गिनवा रहा हूँ, मोदी जी का 9 नहीं 99 काम है। गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे हैं मुकदमे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो नहीं, मुकदमा कोई नहीं है, दागी कोई नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। और ये रहा कांग्रेस का भी है ऐसी बात, कांग्रेस के 26 सांसदों पर 26 ज्यादा होते हैं, 139 ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा दो इन भाई साहब को। भाई साहब आज आज जो जितने भी जो किया, अरे 39 ज्यादा है, 26 ज्यादा है, 139 ज्यादा, फिर लेकिन सब निर्दोष है, ना मैदान में मोदी ने ताल ठोक के खड़ा है, जिसको आना है आ जाए। अब इनकी मोदी के ताल ठोकने से कुछ नहीं होता, इनकी ताल तो निकली पड़ी है। अगर इतना मोदी में जोर था तो कर्नाटका में क्यों इनको लात पड़ी, हिमाचल में क्यों लात पड़ी, पंजाब में क्यों लात पड़ी, दिल्ली में क्यों लात पड़ी, और भी तेलंगाना में कल आपने राहुल गांधी की रैली देखी होगी, 10 लाख से ऊपर लोग मौजूद थे रैली में। अब ये कहेंगे कि वो किराए के लोग थे। बोलो बोलो ये तो चुनावी प्रक्रिया है, हार जीत होती रहती है। इशू का नेता मोदी जी को पैर छू रहा है, मोदी जी के सामने नतमस्तक हो रहा है, ठीक है। वो एक छोटे से देश के नेता ने अपनी संस्कृति के, सुन लो यार अब सुन लो, वो एक छोटे से देश के नेता ने अपनी संस्कृति के हिसाब से मोदी जी के पैर छू लिए, उसको तो तुमने बड़ा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पे चला दिया, ठीक है जी। उसके बाद अभी जो बाइडन ने उसका मजाक उड़ाया जब वो गिलास उठा के खड़े हुए थे, और जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो उसको वो जो वो हंस रहा था साउथ अफ्रीका, ये पीछे गए थे ब्रिक्स में ये जाके कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बोल रहे थे कि मुझे बहुत खुशी हुई कि चंद्रयान जो है वो साउथ पोल ऑफ चाइना पे लैंड कर गया। ये तो मोदी जी के दिमाग में चल रहा था और जब वो हंस रहा था, ये तो मोदी जी की इज्जत है। और साउथ अफ्रीका में जब वो प्लेन वहां उनका लैंड कर गया, उनको रिसीव करने कोई नहीं आया, जब रिसीव करने को आया फिर उन्होंने छोटे से मंत्री को वहां भेजा, फिर उन्होंने दोबारा मैसेज भेजा कि नहीं ये मेरे रिसीव करने लायक नहीं है, वो प्लेन में ही बैठे रहे, नीचे ही नहीं उतरे। और जब तक फिर दूसरा कैबिनेट मंत्री आया वो उन्हें रिसीव करके ले गया। ये तुम्हारे मोदी जी का डंका बज रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में गए थे, जिस दिन ऑस्ट्रेलिया से प्लेन टेक ऑफ हुआ मोदी जी का, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट जो है अपने यहाँ बैन कर दिए कि ये 6 राज्यों के स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं आएंगे। ये मोदी जी का डंका। एक तरफ 37 और 38 दल है, दूसरी तरफ 26 दल है, 28 दल मान लीजिए, कमजोर कौन है? हमने जो अपने सत्ता में कमजोर विपक्ष है, 26 जो मोदी का, हाँ जो मोदी का फैसला 26 है तो कमजोर है। नहीं 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 26 क्यों कमजोर है, जो मोदी जी के साथ है वो निर्दोष है, ईमानदार है और मेहनत कश है, वो देश के लिए काम करने वाला है। हेमंत बिस्वा पे भी केस है, अजीत पवार पे भी केस है, वो कैसे यहाँ पर शरीफ हो सकते हैं? वो केस में तब इन्वॉल्व था जब उनके साथ थे, जब इनके साथ आ गए है ना, तो वो स्वच्छ जो थे तब आए हैं। डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं अंकल जी, आप डबल स्टैंडर्ड। नहीं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ कर रहा हूँ। मैं ये तो ऐसे कांग्रेस दिखाते रहते हैं जो मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, इस सब कहने से कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान की जनता अब रुक जा, देश में 40% सांसदों पर आपराधिक मामले, भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे हैं मुकदमे। ये हिंदुस्तान अखबार की न्यूज है, ये मेरे घर की बनाई हुई न्यूज नहीं है। ये रे ये अभी डेट भी दे देता हूँ, 306 सांसदों ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी, जिसमें से ये रहा भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे हैं मुकदमे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो नहीं, मुकदमा कोई नहीं है, दागी कोई नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। और ये रहा कांग्रेस का भी है ऐसी बात, कांग्रेस के 26 सांसदों पर 26 ज्यादा होते हैं, 139 ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा दो इन भाई साहब को। भाई साहब आज आज जो जितने भी जो किया, अरे 39 ज्यादा है, 26 ज्यादा है, 139 ज्यादा, फिर लेकिन सब निर्दोष है, कोर्ट ने सब साबित कर दिया है। आप पे हमारे जितने हैं, हमारे जितने हैं ना भाजपा में, वो सब साफ सुथरे छवि के हैं, कांग्रेस के तरह नहीं है जो 2000 करोड़ घोटाला, 2G सेक्टर, सब क्लियर है, सब क्लियर है कोर्ट की तरफ से, सब क्लियर है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की बात नहीं मानेंगे अंकल जी आप, बात तो मानते हैं, सब क्लियर है।
नहीं सब क्लियर है, सब क्लियर है। नहीं तो ऐसा है ना, मैदान में मोदी जी ताल ठोक के खड़ा है, जिसको आना है आ जाए। मैं मोदी जी ताल ठोक के खड़े मैदान में, जिसको आना है आ जाए। ठोकते रहे उसमें क्या है जी, मैं भी पतला दुबला पहलवान हूँ, ताल तो मैं भी ठोक दूँ। आ जाए भैया गामा मेरे से लड़ ले, गामा बैठा पाकिस्तान में, नहीं लड़वाएगा बेचारा, वो तो खैर मरी गया अब तो गामा तो। अब इनकी मोदी के ताल ठोकने से कुछ नहीं होता, इनकी ताल तो निकली पड़ी है। अगर इतना मोदी में जोर था तो कर्नाटका में क्यों इनको लात पड़ी, हिमाचल में क्यों लात पड़ी, पंजाब में क्यों लात पड़ी, दिल्ली में क्यों लात पड़ी, और भी तेलंगाना में कल आपने राहुल गांधी की रैली देखी होगी, 10 लाख से ऊपर लोग मौजूद थे रैली में। अब ये कहेंगे कि वो किराए के लोग थे, बोलो बोलो क्या कहेंगे। ये तो चुनावी प्रक्रिया है, हार जीत होती रहती है। लेकिन 40 करोड़ लोग मोदी जी के साथ थे, लेकिन 10 लाख लोग जो गद्दार है, मोदी जी से गद्दारी करके तेलंगाना पहुंच गए रैली में। भाई साहब सुनो तो, क्या बात है यार, कोई सेंसर समझ चुकी है कौन खाने वाला है और कौन देश को आगे बढ़ाने वाला है। तो मोदी देश को आगे बढ़ाने वाला है, कांग्रेस देश को लूटने वाला है। जो 54 साल में लूटा, ये सत्ता से अलग नहीं रह सकते, ये हमेशा सत्ता के भोगी हैं। और जब सत्ता में कोई होता है तो उनको जी भर के सुबह उठ के गाली देना, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, बीपी सिंह को नहीं बख्शा, चंद्रशेखर को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह को भी चपरासी बना के रखा। देश के हित में कोई निर्णय नहीं लिया, लेने दिया प्रधानमंत्री को। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हमेशा चाहती है कि हुकूमत मेरे हाथ में रहे। आज अगर हुकूमत नहीं है तो वो कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने, कांग्रेस ने कुछ किया। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ किया नहीं, कांग्रेस ने भी किया, देश के जितने भी हमारे इससे पूर्व प्रधानमंत्री हुए सब ने देश के लिए काम किया, तभी तो देश आगे बढ़ा है। ऐसे नहीं कहता है, कम से कम एक स्टैंड तो रखा करो। अभी कांग्रेस ने काम नहीं करा, कांग्रेस सत्ता रखना चाहती है अपने पास, कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा। अभी 2 मिनट में काउंटर कर दे, नहीं कांग्रेस ने तो काम करा है, कांग्रेस ने तो काम करा है, क्या है तो जनता उतार दिया। अब जो मौका जिसको दिया वो देश के आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जब देश आगे बढ़ना है, अगर तुमने बीजेपी इतनी सपोर्टिव हो, 9 साल में बीजेपी के 9 काम गिना दो, और मैं 52 साल के कांग्रेस के बाप को 52 काम गिना दूंगा। बोलो ये 9 काम गिनवा दीजिए, फिर देखिए चैलेंज दे रहे अंकल। मैं गिनवा रहा हूँ, मोदी जी का 9 नहीं 99 काम है। गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी, हम खड़े हैं। सबसे पहला मैडम, बेटियों के लिए बेटी बचाओ ये योजना मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच रही है, क्यों नहीं बच रही है, क्यों नहीं बच रही है। उसके बाद धारा 370 हटाया, जनधन योजना, जो लोग बैंक में खाता खुलवाने के लिए लाइन में जाते थे, मैनेजर भगा देता था, वो बैंक मैनेजर जाके लोगों को खाता खुलवाया। गरीबों को आवास योजना, गरीबों को आवास योजना, लाडली योजना, उसके बाद आपको जनधन योजना, वो आप एक बार गिनवा दिए ना, लोगों के घरों के लिए पैसा दिया वो योजना, उसके बाद आपको सुनो रोड बना, इतने बड़ा स्पेक्ट्रम रोड का खड़ा कर दिया हिंदुस्तान में, यो योजना जो है क्या बात है, कहाँ रोड, अच्छा रोड नहीं थे हिंदुस्तान में पहले, आप कहाँ रहते थे पहले, यहाँ दिल्ली से पहले कहाँ के रहने वाले हो? हम कहाँ करावल नगर में रहते हैं, करावल नगर में, बिहार में रहते हैं। हाँ बिहार से करावल नगर कैसे आए थे, पुष्पक विमान में बैठ के आए थे, ट्रेन से आए थे, पहले की ट्रेन और आज के भाई रोड आए थे, कौन सा फर्क है? हाँ अच्छा, हाँ कौन सी ट्रेन में फर्क है, क्या फर्क है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल फर्क है, पहले शताब्दी चलती थी, राजधानी चलती थी, पहले प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का होता था जो कि आज 50 रुपए का हो गया, ये फर्क है, ये फर्क है इनके हिसाब से, रेल में फर्क है। ये कह रहे रोड नहीं बना, बिहार से दिल्ली तक ये बिना रोड के आ गए, पुष्पक विमान से बैठ के आ गए। ये कह रहे जनधन योजना के खाते खुलवाए, जनधन योजना के खाते खुलवाने के बाद उसमें 0 बैलेंस है, 6 महीने तक अगर उसमें कुछ नहीं जमा करते उगाड़ते उसके ऊपर इमीडिएट उस पर वो लग जाता है, उस पर चार्जेस लगा देते, चार्जेस लगा देते मिनिमम बैलेंस ना रखने के, फिर तो जनधन में तो नहीं रखने थे, क्यों लग रहे हैं फिर खुलवाए क्यों? अरे भाई मेरी तो औकात ही नहीं है पैसे रखने की, तो मैं नहीं खोलूंगा ना फिर। ये दिया ना क्या? हाँ क्या दिया, क्या लेन देन करते रहो? अरे जब किसी को जरूरत ही नहीं है लेन देन की तो फिर कैसे हो? ये बात नहीं, कांग्रेस हिंदुस्तान में सिर्फ अगर राजनीति तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहे कांग्रेस की, हम तो बीजेपी की कर रहे हैं, बीजेपी के काम, मैडम बीजेपी के काम गिनवाते गिनवाते सुबह से शाम तक शाम हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। और बीजेपी के काम जो, और बीजेपी के टाइम में जो हिंदुस्तान में काम हुआ, वर्ल्ड में इसका तारीफ कर रहा है कि मोदी जी के शासन काल में बीजेपी जो विश्व में जो काम किया है वो कोई प्रधानमंत्री ना आने वाला कर सकता है। काम 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 सीधा सीधा एक या दो बता दो, आज विश्व का नेता मोदी जी को पैर छू रहा है,
मोदी जी के सामने नतमस्तक हो रहा है। ठीक है, वो एक छोटे से देश के नेता ने अपनी संस्कृति के, सुन लो यार अब सुन लो, वो एक छोटे से देश के नेता ने अपनी संस्कृति के हिसाब से मोदी जी के पैर छू लिए, उसको तो तुमने बड़ा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पे चला दिया। ठीक है जी, उसके बाद अभी जो बाइडन ने उसका मजाक उड़ाया जब वो गिलास उठा के खड़े हुए थे, और जो वहां पे साउथ अफ्रीका के जो उसको वो जो वो हंस रहा था साउथ अफ्रीका, ये पीछे गए थे ब्रिक्स में ये जाके कह रहे मुझे बहुत खुशी है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बोल रहे थे कि मुझे बहुत खुशी हुई कि चंद्रयान जो है वो साउथ पोल ऑफ चाइना पे लैंड कर गया। ये तो मोदी जी के दिमाग में चल रहा था और जब वो हंस रहा था, ये तो मोदी जी की इज्जत है। और साउथ अफ्रीका में जब वो प्लेन वहां उनका लैंड कर गया, उनको रिसीव करने कोई नहीं आया, जब रिसीव करने को आया फिर उन्होंने एक छोटे से मंत्री को वहां भेजा, फिर उन्होंने दोबारा मैसेज भेजा कि नहीं ये मेरे रिसीव करने लायक नहीं है, वो प्लेन में ही बैठे रहे, नीचे ही नहीं उतरे, और जब तक फिर दूसरा कैबिनेट मंत्री आया वो उन्हें रिसीव करके ले गया। ये तुम्हारे मोदी जी का डंका बज रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में गए थे, जिस दिन ऑस्ट्रेलिया से प्लेन टेक ऑफ हुआ मोदी जी का, अगले दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट जो है अपने यहां बैन कर दिए कि ये इन 6 राज्यों के स्टूडेंट हमारे यहां नहीं आएंगे। ये मोदी जी का डंका बज रहा है। आज कनाडा के उसने पीएम ने हमारे उसको राजनायक को निकाल दिया कनाडा से, मालूम है नहीं मालूम होगा, मालूम है नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, ये डंका है, ये डंका है, ये मोदी जी के राज में डंका है। जब यूक्रेन में सारे हमारे बच्चे फंसे हुए थे तो भारत का झंडा दिखा करके जब वो तो नजर नहीं आता, और दो देशों का युद्ध रुकवा दिया इनके कहने से, उनसे 3 महीने से मणिपुर की हिंसा रुक नहीं रही है और इस बात का कहीं कोई सबूत नहीं है। आरटीआई डाल दी, बकायदा लोकसभा में उनसे सवाल पूछा गया था राजनाथ सिंह के, क्या मोदी जी के कहने पर युद्ध रुका, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लोकसभा में झूठ नहीं बोल सकते, वहां हर हालत में जवाब देना पड़ता है, लेकिन इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों के दिमाग में तो बैठा हुआ है कि नहीं जी मोदी जी ने 3 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया था। अरे तू 3 घंटे यार मणिपुर में युद्ध रुकवा दे भाई, आपके भाषण आप कांग्रेस के बारे में कितना कर लो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि अगर देश सुरक्षित है, देश को आगे बढ़ाना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, रोड को आगे बढ़ाना है, कागज पेंसिल पे रबड़ पे टिफिन बॉक्स पे सब पे तो भाई 5% जीएसटी लगा दिया तुमने, है हॉस्टल रेंट पे 18% जीएसटी लगा दिया, तुम शिक्षा को आगे बढ़ाओगे? बोलो वो हम तो देख रहा है, लेकिन तनख्वाहें देख रही है जो कितने बड़े हैं लोगों के, वो नहीं देख रही है। शिक्षा का मतलब होता है मुफ्त शिक्षा, आरटीई राइट टू एजुकेशन, उसके हिसाब से सबको मुफ्त शिक्षा। केजरीवाल दे रहे हैं ना, मोदी जी तो नहीं दे रहे, बात तो मोदी जी की हो रही है, मोदी जी ने 5% क्यों लगाया भाई, कागज पे पेंसिल पे रबड़ पे टिफिन बॉक्स पे बच्चों के इस पे आइटम पे 5% क्यों लगाया? बोलो हॉस्टल रेंट पे 18% क्यों लगाया? हमेशा कांग्रेस का ये नीति रही है कि अगर कोई सत्ता में नहीं है तो उसको गाली देना, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए क्या क्या तरकीब करना, पर इन चीजों से कुछ नहीं होता है। अगर ये चीज होता तो दिल्ली में आप 0 पर नहीं आते, हम तो फिर भी रहे जीवित, लेकिन आप 0 पर नहीं आते, इसका सबूत ये दिल्ली है जो आपको दिखा दिया। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीक में, और एक वो ना हमारी हिंदू माइथोलॉजी में पक्षी का जिक्र आता है जिसे कहते हैं फिनिक्स, और हमारे में कहते हैं उसे अग्नि पक्षी। कांग्रेस वो चीज है उस अग्नि पक्षी की तरह है कि जो जल के जब वो राख हो जाता है ना, उस राख से वो दोबारा खड़ा हो जाता है पक्षी, तो कांग्रेस वो चीज है। आज अगर दिल्ली में 0 आ गई ना, अभी आने वाले इलेक्शन देख लो, और कांग्रेस को सबने 0 ठहरा दिया था, कर्नाटका में जीती, पंजाब में तो नहीं जीती, हिमाचल में जीती, उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश में अब दोबारा जीतने वाली है, छत्तीसगढ़ में रिपीट होगी, आप देख लेना, यहीं खड़े हो, हम भी यहीं खड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जो पिछले बार 50 मिला था ना, इस बार 5 ही मिलेंगे आपको, और आप चाहे जितना कर लो।